गाइस, ग्रो ऐप के नए यूजर के मन में अक्सर यह क्वारीज रहती है कि ग्रो एप्लीकेशन में प्रॉफिट एंड लॉस टैक्स स्टेटमेंट की जानकारी अपने मोबाइल में कैसे देखें या कैसे डाउनलोड करें। तो गाइस, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ किस प्रकार से अपने मोबाइल में ग्रो एप्लीकेशन से प्रॉफिट एंड लॉस टैक्स स्टेटमेंट की जानकारी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और देख भी सकते हो। तो वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा जिससे किसी पर कन्फ्यूजन हो और आसानी से अपने मोबाइल में पूरी जानकारी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए गाइस, देरी करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं पूरी डिटेल्स में। वीडियो शुरू करने से पहले टेक्निकल और एजुकेशनल ट्रस्टेड अपडेट के लिए लर्न विद चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल को प्रेस कर दीजिए। सो गाइस, अगर आप भी ग्रो ऐप के द्वारा इन्वेस्टमेंट करते हो और अपने प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी देखना चाहते हो या डाउनलोड करना चाहते हो तो कैसे करोगे ग्रो एप्लीकेशन में, ये सारी जानकारी वीडियो में देने वाला हूँ, जिसको देखने के बाद आसानी से आप प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी देख पाओगे और डाउनलोड भी कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर अपने मोबाइल में ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद आपका पासवर्ड शो करेगा, तो आपको पासवर्ड डालकर लॉग इन कर लेनी है और आप होम स्क्रीन पे आ जाओगे तो आपको नीचे साइड में यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा राइट साइड में। तो आपको यू वाले ऑप्शन में क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल के नीचे आनी है और यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद और ऊपर में सर्च बॉक्स वाले ऑप्शन में क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करनी है प्रॉफिट एंड लॉस टैक्स स्टेटमेंट। जैसे जैसे यहाँ पर सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर शो करने लगेगा वेयर कैन आई गेट रिपोर्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट नॉट एन स्टॉक पीएल रिपोर्ट। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा और यहाँ पर दिए दिया गया यू कैन गेट दिस स्टेटमेंट इन द रिपोर्ट सेक्शन, प्लीज प्रेस द रिपोर्ट बटन बिलो गो टू द रिपोर्ट सेक्शन। तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट सेक्शन में जाने के लिए रिपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद ही गाइस यहाँ पे पूरे रिपोर्ट वाले ऑप्शन आपको खुल जाएंगे और यहाँ पे ऊपर में दे दिया गया टैक्स फाइलिंग, म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक। तो इन तीनों से जो जितने सारे आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको यहाँ पे डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पे गाइस आपको जो भी डाउनलोड करनी है, यहाँ पे आपको क्या करनी है, सबसे पहले ऊपर में दिखा दे रहा हूँ टैक्स फाइलिंग। तो यहाँ पे टैक्स फाइलिंग के ऊपर अगर यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना मंथ सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे जो भी आपका मंथ है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है और आपको यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन में क्लिक कर देनी है। तो ये नीचे में गाइस देख पा रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन शो कर रहा है और यहाँ पे ये मेरा डाउनलोड हो गया। तो डाउनलोड होने के बाद आपका मेल पे ये सेंड कर दिया जाता है। और गाइस यहाँ पे कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड आ गया, यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हो रिपोर्ट तो इसके ऊपर क्लिक करनी है और यहाँ पे आपका जो डेट है ईयर आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ये रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड हो गया और मेरे मेल पर सेंड कर दिया गया। सेम इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करनी है और ऑर्डर हिस्ट्री अगर पूरा आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे आपको डेट सेट करनी है फ्रॉम टू, कब से कब तक का। और यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन क्लिक कर देनी है। डाउनलोड पर ये सब क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। आप नीचे में गए सकते हैं स्टॉक वाले ऑप्शन पर। तो स्टॉक में जैसे गए पीएल रिपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट नोट और डीमैट रिपोर्ट। तो आपको पीएल रिपोर्ट डाउनलोड करनी है तो पीएल रिपोर्ट पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ फ्रॉम टू का ऑप्शन दिया गया है, तो कब से कब तक का आपको यहाँ पे रिपोर्ट चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस का। तो यहाँ पे आपको टाइमिंग सेट कर लेनी है और यहाँ पे कब तक का चाहिए वो भी आपको टाइमिंग सेट कर लेनी है और यहाँ पे सेंड मेल पर क्लिक कर देनी है। जब भी गाइस यहाँ पे सेंड मेल पर क्लिक करो जैसे ही आप, तो आपका जो रिपोर्ट है ये डाउनलोड होकर आपका मेल पर सेंड कर दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस टैक्स स्टेटमेंट डाउनलोड करने के बाद जिस जीमेल आईडी से अपने ग्रो एप्लीकेशन में अकाउंट बनाया है उसी जीमेल आईडी से अपने मोबाइल में लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद आपको एक बार रिफ्रेश कर लेनी है। रिफ्रेश करने के बाद आपका जो भी डाउनलोड किया हुआ पीडीएफ सारे शो करने लगेंगे। तो सबसे ऊपर मेरा यहाँ पर कैपिटल गेन शो कर रहा है और मैं 2019 का डाउनलोड किया था, 2019 का ही शो कर रहा है। तो स्क्रॉल के नीचे आनी है और यहाँ पर मेरा पीडीएफ शो करेगा, तो यहाँ पीडीएफ शो कर रहा है तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये ओपन हो रहा है। तो देख पा रहे गाइस यहाँ पे मेरे एक्सेल में सारे कैपिटल गेन जो स्टेटमेंट है वो सारे यहाँ पे शो करने लगे 18 से 19 तक का। तो इस प्रकार से आप भी अपना कैपिटल गेन का जो रिपोर्ट है वो सारे ओपन कर सकते हो डाउनलोड करके। अब गाइस मैं टैक्स स्टेटमेंट अपना मैं डाउनलोड किया हूँ उसे मैं ओपन करता हूँ। तो टैक्स स्टेटमेंट पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं इसे ओपन करता हूँ पीडीएफ को। तो इससे गाइस जब ओपन करोगे तो आपको एक पासवर्ड देनी होगी। तो वो पासवर्ड है आपका
पैन नंबर, जिस पैन नंबर से आप गुरु एप्लीकेशन में अकाउंट बनाया था उसी पैन नंबर को आपको यहाँ पर देनी है। तो मैं अपना पैन नंबर यहाँ पर दे देता हूँ और ओपन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा PDF जो है ओपन हो गया, और यहाँ पे जैसे गाइस यहाँ डाउनलोड कर लेते हो तो आपका मोबाइल में गैलरी में शो करने लगेगा। तो इस प्रकार से गाइस अपना जो भी म्यूचुअल फंड, स्टॉक और ई फाइलिंग की रिपोर्ट आसानी से अपने मोबाइल में गुरु एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा कि इस प्रकार से गुरु एप्लीकेशन से प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस अगर अभी कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट से कमेंट कीजिए, और ऐसे ट्रस्टेड नॉलेज वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।